हेलो मम्मी, खुश रहो, दूध पाद रहो, हमारे भैया की हजारी उम्र हो। मैं जाओ बुआ बुला के, आ जाओ टीवी टीवी। नहीं नहीं, मुझे पूछ खा ले। दरबार को सिरा को, भगवान को सिरा को, गणगौर माता को सिरा को, और ईश्वर गणगौर का सा जोड़ा बनाया रखो भगवान, और संतु बना का भगवान एक आका की सो राम जी भगवान, खुशी राखो भगवान, खुशी राखो बड़ा सार में राम जी भगवान, अरे नहीं दो के ना फुलो फुलो भगवान और माता की खूब जो भगवान। खामा गणी सर, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो आप देख सकते हो मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने अपने फ़ोन में लगे हुए। तो आज है सूरज जी का उद्यापन और अभी तैयार वगैरह होने में हम थोड़ा लेट हो गए, 11 बज गए। तो बस अभी मैर करने वैसा पहले गणगौर माता की पूजा करेंगे, और अभी जो ढोलन जी आई थी ना उनको भी हमने खाने के लिए इन्वाइट किया है ना। तो वो अभी मतलब बाकी राजपूतों के घरों में जाएंगे, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे ना। तो सुगनी आंटी आई गए थे सुबह खाना बनाने के लिए, तो सुगनी आंटी खाना बना रहे हैं और बस अभी मैर करने से पूजा करेंगे। और मैंने कोमल और मेरी मम्मी आई हुई ना उनको भी इन्वाइट किया, तो वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी दोनों अपना ब्रेकफास्ट कर रहे और एक दूसरे को और फेंके जा रहे हैं। आज रिद्धि ने चोटी बनाई है। किसने बनाई? मम्मी ने दिखा रही है, देखो ये रही चोटी, ये देख लो भाई, ये तो चोटी सुंदर सुंदर किसने बनाई? मम्मी ने बता दो किसने बनाई, किसने बनाई? ऐसे दोनों भाई बहनों कॉम्बिनेशन हो गया थे फिर लाल लाल। अभी मैं पूज रही हूँ गणगौर, पहले मैं दूबे तोड़ लूँ हरी हरी दूर, और उसके बाद ऐसा नहीं पूछेंगे ना। नहीं मैं 16 दिन ये 16 दिन नहीं पूछते, मैं 16 दिन पूछती हूँ। तो मैं अभी दूब तोड़ रही हूँ गणगौर पूजूंगी, उसके बाद फिर हम सूरज जी के वो करेंगे ना कहानी सुनेंगे। हाँ ठीक है, मेरे टीकी लगाओ। फिर वो कहती मेरे टीकी लगाओ, उदू के भी टीकी लगाई क्या मम्मा? उदू के भी लगा। हाँ पूजा कर रहे हैं मम्मा।
ऐसे ही चलता है बच्चों में। क्या कर रहे हो दोनों रुद्र? पूरा ही ना बेटो, पूरा खराब नहीं करना गणगौर माता को। थोड़ा बहुत ले लो, ये लो ऐसे ले लो, पकड़ो रिति जाओ। मुझे तो करने दो बेटा, मेरे को नंबर ले लो। पैर जल गई थी तेरी धूप की, और गणगौर तो मैंने पूछ ली। अब थोड़ी देर बाद हम लोग सूरज जी की कहानी सुनेंगे, मैं और करूँगा हम करेंगे सूरज जी की कहानी सुनेंगे और पूजा करेंगे। तो मिट्टी का चौका बनाते हैं पहले, तो मिट्टी का गोल सा चौका बनाते हैं और उस पर गणेश जी को विराजमान करते हैं। तो गणेश जी, क्या मम्मी ने भी दशा माता की कहानी सुनी थी ना, तो गणेश जी तो पहले से बने हुए रखे। तो ये गणेश जी भी रख दिए हमने, तो हम कर रहे हैं हमारी पूजा स्टार्ट। और पूजा में ना ये नारियल जो गिट होते हैं ना सूखे गोले, वो रखते हैं और बाकी सुहाग का सामान वो सब हमने इसमें रख दिया। तो एक पे तिलक लगाएंगे, पहले गणेश जी को लगा देते हैं। सूरज जी के रोही हमारे पास काले थी, मैं वृंदावन से लेके आई थी बुक, तो इससे हम पढ़ेंगे। अब आके तो ले लो सारा परिवार ने दीजो। जय हो विनायक जी।
तो हो गई हमारी कहानी खत्म। ठीक है, अब जल चढ़ाए। हाँ, तो ये तो थाल में ना रोट हमने छुपा के रखे हुए, दिखाते नहीं है ये। और इससे ना मतलब ऐसे मतलब पूरा ऐसे, मैं बाद में फोटो दिखा दूंगी आपको, इस तरीके से पूरा गोल होता है और उसमें से ना मतलब सूरज जी को देखते हैं, अपनी लुगड़ी में छुपा के लेके जाते हैं रोट को। अब बर्फ दे देते हैं। बोलते रहे ना, जब बर्फ देते टाइम पानी ढोड़ोगे ना, जब मैं बोलती रहूंगी आदमी बस इधर ही खड़े जाते ना। अच्छा है जी, बस सूरज जी दिखने चाहिए। सूरज जी दिखा, दिशा दिखा, विशा टूटा। सूरज जी दिखा, दिशा दिखा, विशा टूटा। सूरज जी दिखा, दिशा दिखा, विशा। सूरज जी दिखा, दिखा, दिशा टूटा। अब खाना पैक करके फिर कॉलोनी में देके आएंगे। 1600 आ गए, 8 मेरी 8 का है। होगी पूजा? हाँ, 5 भेज दीजो कड़िया में। नीलामी में भाई हमारे बच्चों का सारा सामान, किसको ये खरीदना है तो आप आ जाना। सोगा एक तब नहीं हमारे बच्चों का है वो। पूरा घर का माने जगह ही को ना कॉलेज और इतो पड़ी है। चीजें करते हैं वो, इससे भी खेलते हैं, पर वो उधर भी किसी दिन किसी दिन खेलते हैं, किसी दिन खेलेंगे। ये है दो ऊपर पटक रहे जो मां बार, ना दुनिया को देखने को नहीं होती आपके, तो बता रहे तो जब नीलामी पे लगा रहे हम। हमारे तो एक ही है, मम्मी भाव खाएगी, तू दो खाएगी है ना मम्मी। खुश रहो, गुरु पागल हो, हमारे भैया की हजारी उम्र हो, माया भाई भतीजा की लंबी उम्र हो, खूब तरक्की करो, ताका चूड़ा चूड़ी उम्र हो। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही है। बच्चों की, इनकी भी कन्याओं, हाँ कन्याओं की भी कहा, बहुत अच्छा वो आशीर्वाद लगता है। गणेश जी खराब मत कर दीजिए। हाँ जो भी बोल रहे हो कंटिन्यू रख। सुहागणो, हाँ, और बच्चा की लंबी उम्र हो हमारा। बच्चा की वही उम्र हो जो भगवान ने तय करी है। हां, खाओ पियो और खिलाओ। अरे भगवान इसको अकेले जाओगे? हां, पानी चाहिए। बच्चों को तो साथ में लेके जाएगा भाभी साहब का पता नहीं। साथ में लेके जाऊं, कनाडा छोड़ जाऊं, साथ में किन ले जाऊं? बच्चा ने पर दूसरी लुगाई ले जाऊं? बच्चा ने ये भाभी साहब आपको तो नहीं लेके जाएगा, पर बच्चों का तो है कि भाई बच्चों को तो लेके जाएगा। सब्जी करते हैं तो अभी हम कर रहे हैं, खाना डाल रहे हैं जो लेडीज के लिए जाएगा ना कॉलोनी में। तो ये सिस्टम सही है वैसे, है ना? पैकिंग मतलब खुद घर पे कर लो, प्लेट्स लाके। एक तो क्या घर का खाना मिल जाता लोगों को, है ना, और दूसरा ये मेन्यू में क्या क्या है, बच जाते हैं। मेन्यू में क्या क्या है अभी पूरा दिखा देंगे, एक थाली जब पूरी पैक हो जाएगी। मिर्ची के टुकड़े, आलू छोले की सब्जी, गुलाब जामुन, रोट और पूड़ियाँ। तो सारी थालियाँ है ना पैक हो गई है, इस तरीके से हमने पैक की है। और ये एक थाली में छोले मतलब इसमें छोले की सब्जी, गुलाब जामुन, टिकोरे, मिर्ची, अभी सारी पैक कर दिए। अब
अभी मम्मी और कन्हु भाई से जा रहे कॉलोनी में, वो बांट के आएंगे। मैं भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं कहती हूँ यार कन्हु से चल जाएंगे। और ढोलन जी भी आ गए, उनको हमने बोला था कि आप यही खाना जिम लेना, वो भी पूरी कॉलोनी में राजपूतों के घरों में होके आए और अब खाना जिम लेंगे। क्या रिद्धि हाँ डांस करना है, कर लो तो जाओ, वो देखो ढोल बजा रहे, जाओ जाओ कर लो डांस, जाओ ये करो डांस। पीसा तो दे, तो पीसा नहीं देते, इसमें सुहाग का सामान है। कनु ऐसा ने अपना अलग ही कर लिया था कि मेरे में व्हाइट वाला चाहिए, चूड़ा उड़ा सब अपने पसंद का, इसमें इसीलिए सुहाग का सामान है। अरे बोला तो भाई, हां बोला ही, ठीक है दूसरा लंबी उम्र हो, चूड़ा सुनी उम्र हो। अब हम खाना खा रहे हैं, इसमें क्या व्रत रहता है, एक टाइम ही आप खाना खा सकते हो, तो हम शाम को नहीं खाएंगे, अभी खा रहे हैं क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत चढ़ गई। हां बैठ, तो अभी जा रहे हैं हमारे कन्नू भाई साहब वापस, शाम हो गई है, ये एक दिन के मेहमान बन के आते हैं हमेशा। पता नहीं कब आएंगे, चार दिन पांच दिन एक महीने दो महीने के मेहमान आ जाएगी ना बीच में, तब एक बार और आ जाऊंगी। अच्छा फिर रहने के लिए गर्मियों में, बहुत मेहरबानी, अपने घर में वैसे थे गेस्ट हाउस की तरह, एक बार और आ जाऊंगी। पड़ोस में तेरे का यही नुकसान होता है, ये बात तो है, जो पास में भी आए होते हैं ना वो कम आ पाते हैं, दूर वाले फिर भी ज्यादा। एक महीना भेजा है तो बीच में भी जा सकती है, हमेशा एक एक दिन के लिए ऐसे ही आते हैं, एक दिन भी नहीं, मतलब तो कभी काम पड़ता है तो आ तो जाती नहीं इमरजेंसी में। हाँ ये बात तो है ना, देखो फायदा भी है, तो बाय है ना, ठीक है बाय। दिखाओ छोटी, दिखाओ रिद्धि की छोटी, दिखाओ, वाह रिद्धि की छोटी, रिद्धि किसने बनाई छोटी, मम्मी ने, मम्मी ने, ओए नगड़ू मम्मी, मम्मी पी लिया आपने बेटा, ये कहाँ से सीखी है मम्मी, ये कहाँ से सीखी है मम्मी, उठक बेटा के, दीदी इधर करो, उठक बेटा किसने सिखाया, हाँ ताता मेरे बेटा ताता, ये देखो रिद्धि कल परसों नाखून यहाँ मारा था, अभी थोड़ी देर पहले इसकी नाक पे नाखून मार दे, क्या करे, इसको डांटा भी मैंने हल्का सा मारा भी, पर अब वो ये इसको ज्यादा मारूंगी तो ढीट हो जाएगी। ओ,